हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो लेक्चर था वो कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे टोटल 8 फार्मूले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उसको आप बोले थे हम कि उसको आप याद कर लीजिएगा, तो आप उसको यदि याद नहीं किए उसको आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद के जितने सारे जो हम लोग फार्मूला या तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, उसमें मैक्सिमम में उन सारे फार्मूला का यूज होगा। अब उसके बाद उसी क्रम में हम लोग को अब आगे देखना है कि जो है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, उसी में जो है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स को डिस्कशन करना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह जो रिजल्ट जो है हम लोग का है, उससे जो पहला रिजल्ट है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर लिख सकते हैं इसी को फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये रिजल्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में दूसरा जो है वो है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो इसी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों फार्मूला होता है। तो ये रिजल्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का, जिसको आपको याद रखना है। इसी में जो तीसरा जो फार्मूला है वह है टैन ए प्लस बी प्लस सी, इसका होता है टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी माइनस टैन बी इंटू टैन सी माइनस टैन सी इंटू टैन ए। ये जो फार्मूला तीनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को आगे यूज करना है। और अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सभी का तीनों का एक एक करके हम लोग प्रूफ देखेंगे। वह जो प्रूफ बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब यह बहुत ही आसान है। चलिए पहला का हम लोग प्रूफ करते हैं। और पहला का प्रूफ क्या है LHS में, ये जो है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब इसका फार्मूला लिखिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर है इंटू, फिर साइन ए माइनस बी का ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए इस टोटल को एक फॉर्मूला लिखें, इसको टोटल को समझिए, इसको ए, इसको समझिए बी, इसको ए, इसको बी, है ना, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, तो क्या ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल, तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस रिजल्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। तो इसको यदि अलग अलग यदि कर दें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी।
अब देखिए इसमें जो पहला जो प्रूफ करना है क्या है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी दोनों किस में है, साइन के टर्म में है। तो ये जो कॉस कॉस जो नज़र आ रहा है उसको क्या करना होगा, हमको साइन में बदलना होगा। मतलब अपने से हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग को लाना किस में है, साइन में लाना है। तो यहाँ पे किस में है, कॉस जो है वो हम लोग को प्रॉब्लम कर रहा है, तो कॉस को किसे बदल देंगे, साइन में बदल देंगे। अब याद कीजिए हम लोग जानते हैं फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन। तो यदि लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं कि वन माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर को क्या हो जाएगा, साइन बदल देंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए इन टू हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब जो है माइनस, चलिए इसको ब्रैकेट लेते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, इसको इससे करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए कुछ टर्म कट रहा है, क्या कट रहा है, देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी ये कट गया, प्लस माइनस में था, तो बच मेरा क्या गया, ये बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का एक फार्मूला भी ए मेरा प्रूफ हुआ है। दूसरा यदि प्रूफ करना है तो ये साइन को किसे बदल देंगे, कॉस में बदल देंगे, तो ए मेरा प्रूफ हो चुका है अभी पहला। दूसरा को इसी में हम लोग कर देते हैं, चलिए किधर कर दे, इधर मिटाते हैं, यदि इधर ही कर दे, ये तो आप कैरी कर लीजिएगा, रिजल्ट मेरा क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन को क्या ले सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस इस साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, इतना तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, वन से वन कैंसल, तो क्या बच गया बाबू, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये भी रिजल्ट हम लोग को क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब इस तरह से हम लोग को हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का दो फार्मूला, क्या थी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रूफ, वह जो है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है सेकेंड का प्रूफ क्या है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को ये दोनों रिजल्ट प्रूफ करना है। फार्मूला लिख देते हैं उसी तरह से, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस है तो उल्टा इसमें होता है, साइन ए साइन बी इंटू कॉस ए माइनस बी का तो होता है कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए फिर से वही चीज़, यदि इसको हम लोग ए समझिए, इसको बी ए बी, तो ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब हमको जाना है इस रिजल्ट पे, तो आ तो इस रिजल्ट पे, तो क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर बी को हम लोग लिख देते हैं साइन बदल देते हैं, तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, अभी कॉस में इसको साइन बदल दो, इसको कॉस में बदल दीजिए साइन को, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और इन टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कुछ कट रहा है देखिए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस प्लस विल कैंसल, ये मेरा क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए ए रिजल्ट हम लोग का क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है ए रिजल्ट। यदि इसी को हमको अब इसमें प्रूफ करना है तो क्या, ये तो प्रूफ हो गया है, इस कॉस स्क्वायर को ले सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर को वन माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। अब कर दीजिए हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कीजिए माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, वन वन विल कैंसल, तो क्या बच गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ये भी रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से एक मेरा ए रिजल्ट, एक मेरा ए रिजल्ट, दोनों यहाँ से प्रूफ हो गया। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस माइनस बी का क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसके प्रूफ जो है एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, इसको आप रिजल्ट को याद रखिए कि रिज़ल्ट हम लोग का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को किससे मतलब रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट और तीसरा जो फार्मूला है इसको प्रूफ करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं इधर। क्या था टैन ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा का प्रूफ क्या था टैन ए प्लस बी प्लस सी, क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह से टैन इस तीन है, तीन एंगल है, किसी दो को एक साथ रखिए, आप इंडिपेंडेंट हैं, किसी भी दो को ए और बी को रखिए, या तो बी सी को रखिए या तो ए और सी को रखिए। चलिए इसमें रखते हैं ए बी को साथ में और सी अलग कर दिए, ठीक। और इस टोटल को समझिए, कोई एक मान के लिए डी है, तो टैन सी प्लस डी का फार्मूला, तो हम लोग एक रिजल्ट हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं, टैन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ये होता है। तो इस रिजल्ट का यूज कीजिए, इन दोनों एंगल को एक ही एंगल समझिए और इसको क्या करिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा टैन, ये हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब एक यहाँ पे इतना हो गया, तो इस टोटल को एक समझिए ए प्लस बी प्लस, ये क्या हो जाएगा टैन सी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन ए, तो इसको एक माने हैं, तो ये हो जाएगा टैन ए प्लस बी इंटू टैन सी। अब यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है टैन ए प्लस बी, देखिए इसका रिजल्ट हम लोग पहले से जानते हैं, यूज़ कर दीजिए इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी प्लस, ये हो जाएगा टैन सी डिवाइडेड बाय फिर वन माइनस इस टैन ए प्लस बी का फार्मूला, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी और ओवरऑल ए इंटू क्या है टैन सी। अब इसको क्या करना है, तो हम लोग को जो है एलसीएम लेना है और उसको सॉल्व करना है। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा टैन ए प्लस टैन बी प्लस हो जाएगा टैन सी इंटू वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी इतना, फिर ये जो है बड़ा वाला बटा जो है ए वाला, फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा वही रिजल्ट वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी माइनस, फिर क्या हो जाएगा तो टैन ए प्लस टैन बी इंटू,
यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टैन सी। अब देखिए ये वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी ये कट गया तो बचा क्या चीज़, बच गया यहाँ से टैन ए प्लस टैन बी हो जाएगा प्लस टैन सी इंटू वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बच गया वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, यहाँ पे क्या बच गया माइनस टैन ए प्लस टैन बी इंटू टैन सी। अब उसका सिर्फ क्या करना है उसको सॉल्व कीजिए वो आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग को क्या करना है सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा टैन ए प्लस टैन बी प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा टैन सी इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी डिवाइडेड बाय वन माइनस हो जाएगा टैन ए इंटू टैन बी मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा टैन ए इंटू टैन सी, फिर इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस, फिर ये हो जाएगा टैन बी इंटू टैन सी। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा सजा के लिखना है, आगे पीछे सीक्वेंस हो गया है तो इसके हो जाएगा टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी माइनस टैन बी इंटू टैन सी माइनस टैन सी इंटू टैन ए। तो ये जो रिजल्ट था इस फार्मूला का जो था यही रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना था, तो इस तरह से हम लोग को ये रिजल्ट हम लोग का प्रूफ हो गया जो हम लोग को याद रखना है। आप लोग का इसमें दो रिजल्ट और देखिए, उसमें जो रिजल्ट तो क्या उसको नहीं भी देखेंगे तो भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसका वैसा रिजल्ट आपका आएगा ही, जैसा कि इसमें जो है ए वाला टेन 45 डिग्री प्लस ए यदि बोल देगा तो इसे क्या हो जाएगा वन प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए। तो कैसे होगा तो हम लोग जानते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए। तो ये हो जाएगा टेन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, एक जहाँ पे मेरा 45 है बिग जहाँ पर ये है तो मेरा कितना हो जाएगा टेन 45 प्लस ए का क्या हो जाएगा टेन 45 डिग्री प्लस हो जाएगा टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन 45 डिग्री इंटू टेन ए, और टेन 45 का वैल्यू क्या होता है वन प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय वन और टेन 45 का वन तो हो जाएगा वन इंटू टेन ए। तो इस तरह से ये सब रिजल्ट जो हम लोग को यूज़ करना है, यदि रूल का यदि हम लोग को जो है क्वेश्चन बोलेगा इस तरह से हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक्सप्रेशन है उसको हम लोग को जो है देखना है, उसे बोलता है क्या बोलता है कि टू एक्सप्रेस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इन द फॉर्म के कॉस फाई और के साइन फाई। इसका रिजल्ट हम लोग को यूज़ करना है और इस रिजल्ट का यूज़ आप लोग जब पढ़िएगा इंटीग्रेशन ट्वेल्थ में तो उसमें दो तीन क्वेश्चन में इस तरह का रिजल्ट उसमें भी यूज़ करना है, तो इस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है तो हमको इस फॉर्म में लाना है के कॉस फाई या तो के साइन फाई, दोनों में से किसी भी लाइएगा आप आंसर में कोई चेंज नहीं, हो सकता है कि बुक में आंसर इसका दिया हो आप इसको ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रिजल्ट को हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, लिखा हुआ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा तो यहाँ पर ऐसा भी रह सकता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस
थीटा, तो उसमें ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। सिर्फ देखिए यहाँ पे साइन और कॉस का जो फंक्शन है दोनों क्या रहे, प्लस में रहे या तो माइनस में रहे। यहाँ प्लस में दे दिया है क्वेश्चन, यदि आपका क्वेश्चन है माइनस में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल दे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो भी इसी प्रोसेस का यूज़ करेंगे जैसा कि अभी हम लोग करेंगे। तो इस तरह के रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉस का जो कॉफिशियंट क्या है, कॉस का कॉफिशियंट है ए, साइन का कॉफिशियंट क्या है बी। तो क्या करना है, जो कॉफी साइन और कॉस का जो कॉफिशियंट है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, कॉस और साइन का जो भी कॉफिशियंट होगा, चाहे टू रहे थ्री रहे फाइव रहे, ऐसा रह सकता है थ्री कॉस थीटा प्लस फोर साइन थीटा, इस तरह भी रह सकता है। तो क्या करना है, कॉस का जो कॉफिशियंट रहेगा उसका स्क्वायर प्लस साइन का जो कॉफिशियंट रहेगा उसका स्क्वायर। यदि यहाँ पे साइन माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लेना है, लेकिन यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो माइनस का स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद उसको स्क्वायर रूट, इसका क्या चीज़ स्क्वायर रूट, मतलब साइन के कॉफिशियंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कॉफिशियंट का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, साइन के कॉफिशियंट का स्क्वायर कॉस के कॉफिशियंट का स्क्वायर का सम का ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट से जो भी आएगा वैल्यू उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 तो रूट अंडर 25, मतलब क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई 5 आया था तो 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कॉस का कॉफिशियंट ए था ए का स्क्वायर, साइन का कॉफिशियंट बी था बी का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दें उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा डी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर, तो इस तरह से ऐसा क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग को जो है अपना अपने मर्जी से हम लोग इसमें काम करना है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन, यदि इसको आप इसमें ले जा जो है कन्वर्ट करना चाहें के कॉस फाइव में तो के कॉस फाइव में कन्वर्ट कर दीजिए, यदि आप के साइन फाइव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो के साइन फाइव में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ से आप इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ कॉस में है तो कोशिश करना है ये जो रिजल्ट यहाँ पे है ये फार्मूला किस में आ जाए, टोटल कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आ तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आ जाए। तो यहाँ कॉस थीटा है तो ए रिजल्ट किस में होना चाहिए, कॉस में, यहाँ साइन है तो ये किस में होना चाहिए, साइन में। क्यों, क्योंकि कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है या तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे प्लस होगा यदि इस तरह से, यहाँ पे कॉस तो है लेकिन इसको में किस, इसको किस में होना चाहिए कॉस में, यदि यहाँ साइन है तो इसको किस में होना है साइन में, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लेते हैं ये क्या है कॉस अल्फा एंड, और बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लेते हैं साइन अल्फा, तब मेरा क्या हो जाएगा देयरफोर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्या लिखें कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। अब बताइए ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक क्वा चीज़ का फॉर्मूला है देखिए कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी प्लस है तो प्लस रहता है तो फॉर्मूला क्या होगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस थीटा या तो लिखिए कॉस थीटा माइनस अल्फा, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट है। अब इसको जो रिजल्ट आया है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लेते हैं के, ये हो जाएगा के कॉस थीटा माइनस अल्फा, लेट कर लीजिए रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लिए, के। अब जो है इसको लिख सकते हैं के कॉस फाई, के कॉस फाई, या तो फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, इतना रूट अंडर ए स्क्वायर, इसको लिखिए आप, इसको लिख देते हैं के कॉस फाई। तो क्या क्या किए, कैसे लिखे हैं, वेयर, इसका क्या लिख दिए, वेयर k इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ये जो है अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिए, फाई। तो इस तरह से इस रिजल्ट को हम लोग किसमें बदल दिए, k cos फाई में। कैसे, k cos फाई में बदलना था फॉर्मूला cos वाला में, तो यहाँ दोनों में क्या चाहिए हमको, cos और cos का प्रोडक्ट, sin और sin का प्रोडक्ट। यदि सोचिए कि हमको यदि लाना है इस फॉर्मूला में k sin फाई में, हाँ यदि यहाँ पे माइनस रहता तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो ये होता तो प्लस में होता कॉस थीटा, यहाँ प्लस में होता तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं था। तो यदि हमको यहाँ के साइन फाइव मिलाना है साइन में, तो हमको बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ जो होता है साइन और कॉस का प्रोडक्ट होता है, साइन और कॉस का, तो उसमें भी क्या करना होगा सेम चीज़। अब यहाँ से हमको इसको मिटा देते हैं, ये इसका हो गया कॉस में करेंगे तो, यदि आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ तक तो उसमें करना है सेम प्रोसेस। अब यहाँ से हमको किस में लाना है साइन में, तो देखिए यहाँ पे किसका प्रोडक्ट होता है साइन का फॉर्म में, साइन और कॉस का प्रोडक्ट होता है, यहाँ कॉस है तो ये किस में होना चाहिए साइन में, ये साइन है ये किस में होना चाहिए कॉस में। तो लेट कर दीजिए, तो लेट ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लेते हैं साइन अल्फा, एंड बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लेते हैं कॉस अल्फा। तो देयरफोर ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखें साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस इसको क्या लिखें माने हैं कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। देखिए किस में हो गया साइन और कॉस का प्रोडक्ट, साइन और कॉस का प्रोडक्ट। तो ये मेरा फार्मूला किस में आ गया, तो यह जगह रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा। तो इसको अब फिर से वही इसको मान लीजिए के साइन, और इसको मान लेते हैं फाइव, वेयर वेयर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लिए के, एंड अल्फा प्लस थीटा किसको मान लिए फाई को। इसका कुछ तो रिजल्ट होगा, दोनों एंगल है दोनों को ऐड करेंगे तो कोई एंगल ही देगा, वह मान लिए वो एंगल क्या है फाई। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन को यदि हम लोग कॉस में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉस में कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो साइन में कर सकते हैं। तो सेम हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को चेंजिंग करना है और प्रोसेस सेम है। तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखिए, हालांकि आपका आंसर जो है मिलेगा मैक्सिमम आंसर आपको कॉस के टर्म में मिलेगा, लेकिन यदि आप साइन में भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करेंगे आज जो इतना सारा कुछ पढ़ें आप जो है उसको रिविज़न कीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।